प्रदेश में भ्रष्टाचार का कितना बड़ा बोलबाला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भाजपा के 13 जिला पंचायत सदस्यों को अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदेश कार्यालय में धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ा। दरअसल उत्तरकाशी जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान पर बीते कुछ समय से वित्तीय अनियमितताओं के मामले में SIT जांच कर रही थी। SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। इसी को लेकर भाजपा के सभी जिला पंचायत सदस्य प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन का मन बनाया और रेड कारपेट बिछाकर धरने पर बैठ गए। इसको लगातार समर्थन दिया जा रहा है भाजपा की सरकार में, ये दीपक बिजलवान कौन सी पार्टी का आदमी क्या है? जी पहले तो जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था तब तो इन निर्दलीय थे, किसी पार्टी से नहीं थे। फिर जैसे ही इन पे हमने जब एक साल बाद जो जांच हुई थी सरकार के द्वारा, हमने जब शिकायत पत्र डाला था तो जांच हुई थी, तो जैसे ही पुष्टि हुई फिर उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन आए थे, फिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना नामांकन करवाया था, कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपना टिकट दिया था और सरकार ने उसी टाइम इन्हें बर्खास्त भी किया था जब इन पे पुष्टि हुई थी भ्रष्टाचार की। अच्छा। फिर उसके बाद ये कोर्ट गए, न्यायालय गए, वहाँ पे इन्होंने पार्टी का रजिस्टर किया कि मैं वहाँ अपोजिट पार्टी का हूँ, और ये पिटा सिंह डाली उन्होंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि मेरे खिलाफ द्वेष भावना कर रहे हैं राजनीति, तो इन्हें राह दी और जो SIT जांच थी वो गतिमान रही, माननीय न्यायालय ने बोला था। और आज तक SIT जांच पे आ गई 11 महीने के बाद, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ वहाँ, 60 करोड़ से ऊपर का पैसा, और ये जो अध्यक्ष है ये बोलता है वहाँ कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैंने तो सबको मैनेज कर रखा है, मंत्रियों को मैंने पैसे दे रखा है, जो विकास कार्यों के लिए जो पैसा आता है वो निकालता है वो बंदा, पता नहीं क्या कलाकारी करता है, उसके पास ऐसी पावर है, फर्जी साइन तक कर रहा हो अपने चेकों पे, वहाँ सारे एविडेंस हमने SIT को दे रखे हैं और SIT ने सारे एविडेंस शासन को दे रखे हैं, और जो लॉ एंड ऑर्डर के अभी जो बाइट ली थी News 18 ने ली थी, तो उनमें एम मुरुगेशन सर ने ये बोला, ये बताओ कि BJP के मंत्री कांग्रेस के आदमी को बचा रहे हैं? हाँ बचा रहे, पूरा संरक्षण है, पूरा संरक्षण BJP के लोगों ने दे रखा है माननीय अध्यक्ष जी को। अच्छा। और वो बचा रहे हैं उसे, पूरा हाथ BJP का है उसे बचा। ठीक है, ओके, ठीक है। BJP के मंत्री द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है कांग्रेस के आदमी? देखिए आज मुझे जिला पंचायत के उत्तरकाशी सदस्य मिले हैं, उन्होंने अपना विषय रखा है, न्याय संगत विषय को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री से संबंध में बातचीत करूंगा, और किसी को भी बचाने का कोई प्रयास होता नहीं है जिनमें भ्रष्टाचार के विषय निकल के आते हैं, पहले भी कार्रवाई हुई है उनके ऊपर और विषय निकल के, और उसमें मुझे पता लगा कि SIT की जांच भी उस संदर्भ में हुई थी, उस जांच में रिपोर्ट दिया है और मुख्यमंत्री यथा समय उसकी संबंध जो भी संभावित कार्रवाई होती करेंगे। लेकिन भाजपा के नेताओं